Hi guys, welcome back to our channel Ring Roll. This is me, your ring, and welcome to another exciting video. So guys, कैसे हो आप सब? I hope आप सब बहुत बढ़िया होंगे. तो guys, आज मैं आप लोग के साथ एक newly launched product का review share करने वाली हूँ. जी हाँ, साथ एक बहुत ही बढ़िया product का review share करने वाली हूँ. तो चलिए देख लेते हैं कौन सा वो newly launched product है. वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे आज पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब. के बगल में छोटा सा बेल बटन है, उसे हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले वॉच कर सको. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ वो मुझे कुछ इस तरीके के बॉक्स में रिसीव हुआ है. जी देख लेते हैं कौन सा वो प्रोडक्ट है. तो अभी मैं आप लोग के साथ ही इसे ओपन कर रही हूँ. इसका जो पैकेजिंग है बहुत ही सिक्योर तरीके से पैकेजिंग किया गया है. ठीक है, रेने कॉस्मेटिक्स, ये अभी अभी रेने ने इस सनस्क्रीन को लॉन्च किया है, SPS ग्लो सनस्क्रीन. जी हाँ, मैंने इसे 2 दिन रेगुलरली यूज किया, उसके बाद ही मैं आज आपके साथ ये वाला फीडबैक शेयर कर रही हूँ. तो हम इसकी आउटर पैकेजिंग को देख लेते हैं. तो इसका जो आउटर पैकेजिंग है, ओ माई गॉड, अमेजिंग इसका आउटर पैकेजिंग है गाइस. बहुत ही ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन किया गया, आप देख सकते हो. तो अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ. और जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके के प्लास्टिक ट्यूब में रिसीव हो जाएगा. अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट को यूज़ करके इस सनस्क्रीन को बनाया गया है. अच्छी डिटेल्स दी गई है, फिर भी मैं आपको थोड़ा देती हूँ कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट को यूज़ करके इस सनस्क्रीन को बनाया गया है, जो कि आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल होने वाली है. बनाने में जो मेन इंग्रेडिएंट है एलोवेरा, हाइरोलोनिक एसिड, ग्लिसरीन, विटामिन सी एंड नाइसिनमाइड. जी हाँ, ये सारे इसके मेन इंग्रेडिएंट है. इनको यूज़ करके ही इस सनस्क्रीन को बनाया गया, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है. जैसे कि आपको पता ही है कि विटामिन सी हमारे स्किन को ब्राइटन अप, लाइटन अप करने में हेल्प करता है. PEG 40 हाइड्रेटेड कैस्टर ऑयल है, फ्रेग्रेंस दिया गया है. सारे इंग्रेडिएंट को यूज करके इस सनस्क्रीन को बनाया गया है. जैसे कि इसमें कहा ही गया है कि इसमें 50 PA++ दिया गया है. ये आपके स्किन को मॉइस्चराइजिंग, नर्सिंग एंड हीलिंग करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. स्मार्ट फिनिश विदाउट एनी वाइट कास्ट, लाइट वेट, नॉन स्टिकी, नॉन ग्रीसी फॉर्मूला से इस सनस्क्रीन को बनाया गया है. परफेक्ट सनस्क्रीन फॉर दोज हु वांट्स टू बोथ सन प्रोटेक्शन विथ नेचुरल एंड मैट फिनिश. इसको बनाने में 50 SPF का यूज किया गया है, जो कि आपके स्किन को सन के रेस से बचाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है. जैसे कि हम जानते हैं कि हाइड्रोलोनिक एसिड हमारे स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हमारे स्किन को स्मूथ करने में हेल्प करता है. जैसे कि हम जानते हैं कि विटामिन ई हमारे स्किन को सन डैमेज से बचाता है, हमारे स्किन को रिकवरी करने में हेल्प करता है. इसका जो टेक्सचर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अभी मैं आपको इसे ओपन करके दिखाऊंगी. इस सनस्क्रीन को रेगुलरली यूज करने से आपको बहुत ही अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिलेंगे. डलनेस को दूर करने में हेल्प करेगा, आपके डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, आपके पिगमेंटेशन को कम करने में हेल्प करेगा, ग्लोई बनाने में हेल्प करेगा. ये 50 दिया गया है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा आपको वीडियो में. तो अब हम इसे देख लेते हैं कि इसका जो टेक्सचर है वो किस टाइप का टेक्सचर है. इस सनस्क्रीन को बनाने में फ्रेग्रेंस का यूज किया गया है. चलिए अब हम इसे ओपन करके देख लेते हैं. कुछ इस तरीके का दिखता है. ओ माय गॉड, वाओ, इसका जो टेक्सचर है आप देख सकते हो, ये क्रीमी टेक्सचर है, बिल्कुल भी रनी टेक्सचर नहीं है, सब थिक कंसिस्टेंसी में है. अब हम इसे ब्लेंड करके देखते हैं किस तरीके से ब्लेंड होता है. तो ये बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो रहा है स्किन में, और आपकी स्किन पे किसी भी तरीके का ये वाइट कास्ट प्रोवाइड नहीं करने वाला. ये आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो चुका है और 0 वाइट कास्ट है गाइस, आप देख सकते हो. माय गॉड वाओ, इसका जो फ्रेग्रेंस इसमें दिया गया है बहुत ही कूलिंग वाला फ्रेग्रेंस इसमें दिया गया. देखिए, हम कोई भी एक कूलिंग इफेक्ट वाला डियोज लगाते हैं ना, उसी टाइप का ये इसमें स्मेल दिया गया है. मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो ये जो सनस्क्रीन है 10 out of 10 है. मुझे ये सनस्क्रीन बहुत ही अच्छा लगा, इसी वजह से मैं आज आप लोगों के साथ ये वाला वीडियो शेयर कर रही हूँ. अगर आप इस सनस्क्रीन को रेगुलरली अच्छी तरीके से यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपके स्किन में जो सन डैमेज होती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी, आपके स्किन पे जो पिगमेंटेशन होती है वो भी नहीं होगी, डलनेस भी नहीं होगी. ये आपके स्किन को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करेगा. जैसे कि इसमें दिया ही गया है SPF 50 PA++ है. आप अप्लाई करोगे तो एकदम मैट फिनिश लुक देता है. अगर स्किन जो है वो ऑयली स्किन है तो ये सनस्क्रीन आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट सनस्क्रीन है, क्योंकि ये आपके स्किन पे ऑयल बिल्कुल भी नहीं प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल मैट फिनिश रखने वाला है. तो ये सनस्क्रीन ऑयली स्किन वालों के लिए तो डेफिनेटली बेस्ट एंड बेस्ट है, बट ऑल स्किन टाइप के लिए भी ये सनस्क्रीन बहुत ही बढ़िया है. नेट वॉल्यूम वो 30 ml है एंड इसकी प्राइस जो है वो
379 रुपीस है। जी हाँ, इस सनस्क्रीन की प्राइस 379 रुपीस है। 30 ml का आपको सनस्क्रीन मिल जाता है। सो गाइज, अगर आप इस सनस्क्रीन को परचेस करना चाहते हो तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप उस लिंक के थ्रू डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। आपको अपने स्किन पे अप्लाई करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये जो सनस्क्रीन है आपके स्किन पे जब आप अप्लाई करोगे तो किस तरीके का इफेक्ट आपको देता है। ठीक है, देखा कि सनस्क्रीन को अप्लाई करने से आपका स्किन जो है वो कितना अच्छा ग्लोई हेल्दी लग रहा है। तो गाइस, आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि अगर वो भी इस तरीके की सनस्क्रीन को परचेस करना चाहते हो तो इस वीडियो के थ्रू उनको कुछ हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।